हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट टू में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा ये 10 मार्क्स का बोले तो ये है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वेव हीट इक्वेशन कंडक्शन, जो कि 2 डायमेंशन में आता है, 1 डायमेंशन में भी आता है, 1D 2D में दोनों में है। लाप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशन में, ठीक है। इस सभी चीज़ें में, वेव हीट इक्वेशन में और लाप्लास इक्वेशन में, एक चीज़ें कॉमन है, C1, C2, C3, C4 सभी में कॉमन निकलते हैं, ठीक है। वो आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस वीडियो में बात करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि श्योरिटी होता है, जो इस पर क्वेश्चन तो आएगा ही एक ना एक, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये हम आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। होगा तो कल मैं कर दूंगा, फिलहाल में हम करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि यूनिट टू का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ कि हमें पेज नंबर बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है मेथड ऑफ सेपरेशन का, पहला क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 86 है, HK Das, ठीक है। देखना हो तो देख लेना, बाकी नोट करना हो तो लिख लेना, मैं एक बार और रीड कर दूंगा इसे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, del u / del x to del u / del t + u। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं दो तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा, एक समझ में आ गया तो सभी समझ में आ जाएंगे आपको। और इसमें लिखा हुआ गिवन दैट, एक चीज और लिखा, गिवन दैट और ux0 CE^-3x, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है आपको। जो बेसिक चीज़ है इसमें आपको सीखनी है। तो मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको नोट वोट करना हो तो नोट कर लेना, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेज मुझे निकालना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व इक्वेशन, इस तरह लिखूंगा आपको जो क्वेश्चन में आएंगे इस तरह इसके वेरिएबल का, तो आपको बोलेगा मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करो इसे, ठीक है। इसमें एक और मैं बोल देता हूँ, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चन लिखे होंगे। अब इसे मैं सॉल्व करना बताता हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो आपको ध्यान रखना है, ये क्या फंक्शन है, यू लिखा है, ठीक है। तो उसे आपको लेट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, एक्स टी के रिस्पेक्ट में। तो आपको एक फंक्शन आपको लेट करना होगा, आंसर में यहाँ से लिखता हूँ, बता रहा क्वेश्चन। तो u = जो यहाँ पे होगा वो u होगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका कैपिटल आपको अल्फा बेटिक जो भी उसका वो होता है वो लिख लेना कैपिटल में। जैसे x के लिए क्या होगा, कैपिटल x, और स्मॉल t के लिए कैपिटल t, ठीक है। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव करना, आपको u को आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में और टी के रिस्पेक्ट में करना है। ऐसा कर क्यों रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। del u / del मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो del u / del x मैं निकालूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कुछ, टी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और del x / del x आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी चीज़ को मैं एक बार उसके रिस्पेक्ट में करूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, स्मॉल टी इसी चीज़ को। तो ये आ जाएगा del u / del t = आ जाएगा ये टी, अब तो वेरिएबल माना जाएगा तो एक्स बाहर आ गया, और ये आ जाएगा डेल किसका था, del t / del t। देखो कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे है। देखो आपको एक चीज लेट करना है, ठीक है, लेट कर लोगे, लेट तो कर ही सकते हो। इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो del u / del x कर दिया, देखो इसकी वैल्यू अब उठा के ये रख सकते हैं, del u / del t इसकी वैल्यू अब ये रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है स्क्वायर लिखा होता ना यहाँ पे स्क्वायर, तो इसे एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता, यहाँ पे स्क्वायर लगा होता, तो यहाँ पे एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, और ये वैल्यू उठा कर रख देते यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और इस दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं,
और मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ, एक बार मैं और समझाता हूँ। देखो, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, टी कॉन्स्टेंट है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यहाँ ये भी कैपिटल एक्स है। वैसे अब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स बाहर आ गया और डेल टी अपॉन, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे में आता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को, इस ये जो लिखा हुआ है, इस चीज़ डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी, ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे डेल यू अपॉन डेल टी की जगह पे ये रख सकते हैं। तो रखते हैं, देखो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसे टी डेल एक्स अपॉन इस तरह के कैपिटल स्मॉल एक्स, ये टू है तो टू आ गया, उसकी वैल्यू को रिप्लेस करें, डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, एक्स डेल टी अपॉन प्लस यू को हमने कैलकुलेट किया था ये एक्स टी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, चीज़ें होनी चाहिए यहाँ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो तो इस चीज़ को क्या करते हैं, टी को इधर ले लेते हैं, क्या समझो, ये एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल सकता हूँ एक्स डैश सही है, एक्स को हमने कैपिटल एक्स को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, और एक चीज़ और, ये डेल टी अपॉन डेल टी ऐसे लिखा हुआ, तो क्या इसे मैं टी डैश नहीं लिख सकता हूँ, टी को हमने स्मॉल टी से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। तो देखो इसी चीज़ को मैं क्या लिख लूँ, टी ये तो टी ऐसे आ गया, एक्स में है तो एक्स डैश लिख दिया, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, टू एक्स है तो एक्स, और ये टी के रिस्पेक्ट में है तो टी डैश लिख दिया हमने, प्लस एक्स टी, सिंपल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखो तो अब यहाँ पे देखें तो अब सिंपल कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूँ, टी को इधर ले लेता हूँ, और पहले देखो टी एक्स डैश, अब वो क्या करें, किसी चीज़ को कॉमन लेना है हमें, तो ऐसा करें कॉमन क्या आ सकता है, इसमें टी, इसमें टी, तो माइनस एक्स टी इधर इधर आ गया, टू एक्स टी डैश, यहाँ से क्या टी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू, सिंपली आपको एक्स को एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ रखना है आपको, टू एक्स टी डैश। तो इस तरह आगे कर लेते हैं, तो ये टी को डिवाइड में ले सकते हैं, देखो एक्स डैश माइनस एक्स टी डिवाइड में चला जाएगा, तो टू एक्स टी डैश और नीचे में आएगा टी, मैंने बोला था जो आपको एक्स को एक्स के साथ रखना है तो ये एक्स को इधर ले लो, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और टू टू टी डैश और अपॉन में टी। अब ये आपको सही से दिख रहा हो तो इसमें अब सब एक जैसा हो गया, जैसे कि मान लो ये और डिवाइड हो सकता है, एक्स डैश अपॉन एक्स लिख सकते हैं, माइनस एक्स एक्स गया तो वन इक्वल टू टू टी डैश इक्वल टू टी, चीज़ें क्लियर है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये वन को इधर ले लो, तो एक्स डैश एक्स इक्वल टू टू टी डैश और टी प्लस आ गया इधर वन। अब यहाँ पे ट्विस्ट, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सी एफ पी एफ पी आता हो तो वो और ईजी है। अब इसी का हम क्या मैं बोलूँ, एक्स डैश लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू टू टी डैश और टी प्लस वन इक्वल टू, कोई कॉन्स्टेंट मानना होता है यहाँ पे, तो हम या तो कॉन्स्टेंट हम इस तरह से मानते हैं, देखो जैसे मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस पी स्क्वायर, जनरली माइनस पी स्क्वायर ही लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर का रीजन है लेने का, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा क्या क्यों लेते हैं, माइनस पी स्क्वायर अपने कौन ले लिया, ठीक है। तो हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, अब मैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ये करना क्या है, देखो एक बार इसके इक्वल में ये वैल्यू रखना है और इस बार इसके इक्वल में ये वैल्यू रखना है, मतलब दो बार, एक बार इसके इक्वल में ये वैल्यू रख के सॉल्व करना है, इसके इक्वल में ये वैल्यू रख के सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा करना है हमें। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, देखो तो एक्स डैश ये अपॉन में एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला था आपको जो माइनस क्यों लेते हैं, ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में हमें सॉल्व करना इजी होता है,
अब यदि ये ऐसे होता तो माइनस को होता, फिर माइनस का अंडर रूट निकालते हैं, फिर वो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, इसलिए माइनस लेते हैं। बाकी आगे क्लियर हो जाएंगे ऐसा क्यों किया हमने, सब ऊपर कर लेते हैं। तो इसे और सॉल्व करना हो तो सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे लिखेंगे हम, आपको हमने बताया था जो एक्स डैश का मतलब क्या होता है, डेल एक्स डैश अपॉन डेल एक्स, ये होता ना, ये ने हमने बताया था आपको। और टी डैश का मतलब क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल टी, ऐसे लिखता है ठीक है। अब देखो ये वन अपॉन एक्स जो लिखा है, ये वन अपॉन एक्स, ये जो एक्स है ऐसे लिख दिया हमने, इनटू एक्स डैश को हम क्या कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। यार ये तो एक्स है और इनटू में कन्फ्यूजन है मुझे खुद है, तो आपको क्यों, ये हटाओ उसको। तो यहाँ पे इनटू, यहाँ पे इनटू कर लेते हैं ठीक है। और एक्स डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं ये डैश नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर डैश नहीं आएगा, तो ये डेल एक्स अपॉन एक्स लिख दिया इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि अब ये एक्स इसके इसके साथ रहेगा, मतलब कैसे, ये डेल एक्स, ये एक्स इसके साथ, ये वाला एक्स इधर चला गया माइनस पी स्क्वायर डी एक्स ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सिंपल वन अपॉन एक्स लिखा है यानी कि ये कैसे लिखा है, डी एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो इसे लॉग एक्स हो जाएगा ना, उसी तरह ये भी लिखा है, तो लॉग एक्स हो गया और माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर डी एक्स का एक्स हो गया प्लस, तो लॉग के टर्म में इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, लॉग लॉग सी वन ले सकते ठीक है। इसे इधर ले लो सी वन वाले को, तो लॉग एक्स माइनस लॉग सी वन इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक लॉग का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन वाई, इसे लिखते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन में लॉग एक्स अपॉन सी वन, तो माइनस पी स्क्वायर एक्स ठीक है। ये लॉग के जो टर्म में होता है, जो यहाँ पे जो टर्म होता है वहाँ पे टर्म जो होता है, उसे हम क्या करते हैं ई की पावर में लिख सकते हैं ठीक है। तो यानी कि एक्स अपॉन सी वन इक्वल टू, ये जब लॉग इधर जाएगा ना तो ये ई माइनस पी स्क्वायर एक्स, ये पावर में चला जाता है ई की पावर में ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अरे सॉरी ऊपर ही भाग गया, सिलेक्ट हो गया क्या, अच्छा छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर ये नहीं है, एक्स हो गया ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम देखें तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन था उसे हमें क्या करना है, उसे भी हमें इंटीग्रेट करना है। जो हमारे पास इक्वेशन आया था एक और आया था हमारे पास, तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा जल्दी, डिफिकल्ट है। तो अब जो हमारे पास एक इक्वेशन और आया था हमारे पास, उसे देख लेते हैं और उसे भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो दो दो हमारे पास था ना, हमारे पास दो इक्वेशन था, हमने एक को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एक ये मिला ठीक है। अब यहाँ पे इसे भी एक बार हमें लेना है और इंटीग्रेट करना है, इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, टू टी डैश टी प्लस वन और इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ठीक है। अब इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक सी टू आएगा ना, दो वैल्यू आएंगे। तो इसे वन को यहाँ पे ले लो, तो टू टी डैश टी टू माइनस पी स्क्वायर माइनस वन हो गया, और इस टू को इधर ले लो टी डैश और टी इक्वल टू माइनस टू, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया। देखो टी डैश ठीक है, टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, टी डैश को मैं टी डैश को लिख सकते हैं डेल टी अपॉन टी, डेल टी लिखते हैं ना ऐसे, तो वन अपॉन टी, ये तो वन अपॉन टी ऐसे आ गया इन टू में, ये टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं डेल टी अपॉन, ये लिख सकते हैं टी इस तरह से, माइनस पी स्क्वायर था और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर था, हाँ था, और माइनस वन, बाकी इंटीग्रेशन करना है, कोई ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पे कोई तोप नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे। तो ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर लो,
तो डेल टी अपॉन ये तो है ही, और ये टी को इधर ले लो, ठीक है, सॉरी ये टी इधर जाएगा, तो पेज आगे कर लेते हैं, इधर ही बनाना पड़ेगा। देखो तो ये जो हमारे पास आ गया, ये टी कैपिटल इस टी के साथ होगा, तो मैं ये भी बताऊँ, डेल टी अपॉन डेल टी, डेल टी अपॉन ये टी, और ये जो डेल टी लिखा है स्मॉल वाला वो इधर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, और यहाँ पे डेल टी। सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग टी, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो बाकी सब कॉन्स्टेंट आएंगे, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू, और टी का हो जाएगा टी, यहाँ पे लॉग टी लगा लो, वही जो मैं पहले भी लगाया था, लॉग टी आ जाएगा, इसे इधर ले लो, तो इसे फॉर्मूले के हिसाब से वही लिख सकते हैं, टी लॉग टी ये लिख लेंगे, और ये तो है ही सिमिलर। फिर जो भी यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं, कुछ कैलकुलेशन करो खुद से भी आप, तो ये टी अपॉन ये जो भी नंबर है ये इसकी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर इस टी का सिंपल मल्टीप्लाई करना, टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है उसको एक तो आपके पास एक्स आया था, मैं बताऊँ तो ये रहा एक एक्स और एक्स टी, दो वैल्यू आ गई, और मैं उसे करना क्या है आपको, एक आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था यू कल टू एक्स टी लिखना है आपको, यू कल टू एक्स टी आपने लेट किया था ना, उसमें आपको वैल्यू रख देना है, ठीक है, वो दोनों वैल्यू रख देना है, और कुछ आपके पास कुछ गिवन भी था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कुछ गिवन था आपने, क्वेश्चन गिवन था यू एक्स जीरो और इस तरह का लिखा था सी ई की पावर माइनस थ्री एक्स, मतलब क्या कह रहे हैं, जो एक्स के टर्म में है वहाँ पे एक्स तो आएगा ही, पर जो टी वाले टर्म है वहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये आप कैलकुलेशन करोगे और सी यू के वैल्यू जब निकालोगे तब सॉल्व करके ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बाकी यहाँ तक भी कर दोगे तो इनफ है, आठ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका, और आई होप ये चीज़ समझ में आई होंगी, कुछ रिलेटेड इससे प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।